भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में भाजपा सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग की समीक्षा बैठक ली। इन दोनों विभागों की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई। संजय टंडन ने पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल की पहुंच बढ़ाने के टिप्स दिए ताकि भाजपा जन जन तक पहुंच सके। संजय टंडन ने कहा कि भाजपा ने 7,000 से अधिक बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और 7,00,000 लोगों का डाटाबेस बनाया है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे सोशल मीडिया पर पार्टी के कामकाज में सुधार के लिए प्रभाव विश्लेषण करेंगे। आम जनता के दृष्टिकोण को समझना काफी महत्वपूर्ण है। कर सकते हैं, एक तरफ कार्यकर्ता है, एक तरफ वोटर्स हैं, एक तरफ वो व्यक्ति हैं जो इस चीज के साथ जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। सो ये त्रिवेणी को कैसे हम जोड़ सकते हैं, उसकी तरफ आज हमने चर्चा करी। चुनावी वर्ष है सर, 2-3 महीनों के बीच में अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयार जो है वो किया जा रहा है, किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है? देखिए, कार्यकर्ता हमारा एक है कि जो बूथ स्तर पे काम कर रहा है, उस व्यक्ति को अपना दायरा दिया गया है कि आपका दायरा इस बूथ के इर्द गिर्द है। अपने अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि हमारे पास 7,00,000 कार्यकर्ताओं की हमारी जो टोटल डेटा है, हमारे पास जो सरल हमारा पोर्टल है उसके ऊपर ऑलरेडी वो इंकित किया गया है। लेकिन अब उन व्यक्तियों को, हर व्यक्ति के लिए वो टेरिटरी ओपन नहीं है। जो बूथ का कार्यकर्ता है वो अपने बूथ पे फोकस करे, जो ग्राम केंद्र का कार्यकर्ता है वो ग्राम केंद्र पे फोकस करे, जो पन्ना का कार्यकर्ता है जो 30 वोटर को देखने का, वो अपने 30 वोटर पे फोकस करे, जिसका असेंबली सेगमेंट देखने का है वो असेंबली सेगमेंट पे देखे। इस तरीके से मेरे को लगता है कि आज उनको फोकस्ड अटेंशन की तरफ हम डाइवर्ट कर रहे हैं, जो पहले हमारी अटेंशन ओवरऑल पूरे प्रदेश की तरफ होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।